नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 25 सितंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच इंडियन ओरिजिन ऑथर नोवेल वेस्टर्न लेन हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज 2023। तो किस भारतीय मूल के लेखक के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो आंसर है चेतना मारू, जो कि भारतीय मूल की हैं, इनका नोवेल वेस्टर्न लेन को बुकर प्राइज 2023 के लिए चुना गया। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो विच इंडियन रेसलर वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023। तो वर्ल्ड विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में किस पहलवान ने कांस्य पदक यहाँ जीता है? आंसर होगा ये कांस्य पदक जीता है अंतिम पंगाल ने। किसने? अंतिम पंगाल ने। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे तो इंडिया की यूथ रेसलर है अंतिम पंगाल। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेन्स 53 किलोग्राम की कैटेगरी में। कहाँ पर? तो वर्ल्ड चैंपियनशिप जो ऑर्गेनाइज हुई थी बेलग्रेड सर्बिया में, वहाँ पर। ध्यान रखिएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए इनको यहाँ पर क्वालिफिकेशन मिल चुका है। आगे बात करें तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, कार्लोज सेज ये एक ड्राइवर हैं और इन्होंने सिंगापुर ग्रैंड पिक्स को जीत लिया। सिंगापुर की कारों की रेस होती है, उसको इन्होंने जीत लिया। भारत की जो टीम है उसने एशिया कप को भी जीता, क्रिकेट एशिया कप को भी जीता 8वीं बार। और प्रवीणा अंजना उदयपुर से बिलोंग करती हैं, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब ये जीत चुकी हैं। महाराष्ट्र जिसने 5वां नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 को जीत लिया। जर्मनी की टीम जिसने फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 को जीता है। मेंस की इंडियन टीम है जिसने ब्रॉन्ज मेडल एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में जीता है। अमूल जिसको ऑफिशियल स्पॉन्सर बनाया गया है इंडियन दल का 19th एशियन गेम्स के लिए, जिसको 23 सितंबर से शुरू किया जा चुका है। और मोहन बागान सुपर जायंट जो कि डुरंड कप 2023 को जीत चुके हैं। प्रियं सेन राजस्थान से बिलोंग करती हैं, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताबें जीती हैं। और नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। मैग्नस कार्लसन जिन्होंने फीडे वर्ल्ड कप 2023 को जीता भारत के प्लेयर आर प्रज्ञानंदा को हराकर। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड इन सितंबर 2023। तो सितंबर 2023 में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर होगा ये न्यूयॉर्क में किया गया है। ये यूएसए की सिटी न्यूयॉर्क में क्वाड के जो विदेश मंत्री हैं उनकी मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई, जिसमें चार देश हैं। क्वाड में चार देश हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस। इनके फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज कराई गई है, जिसमें ट्राई किया गया है कि भारत अपने अपने देशों में और साथ साथ मिलकर काम करने के लिए किस प्रकार से आने वाले जो स्टेप्स उठाए जाएं उन पर यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। और भारत की तरफ से एस जयशंकर साहब ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। चाइना के प्रभुत्व को देखते हुए इस संगठन को बनाया गया था। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, चाइना जिसने अपने अम्बेसडर को अपॉइंट कर दिया है अफगानिस्तान में। ईस्टर्न मैरिटाइम कॉरिडोर भारत के चेन्नई से रशिया के व्लादिवोस्टोक तक कनेक्ट किया जाएगा पोर्ट के माध्यम से। MOU साइन हुआ है इंडिया, UAE, सऊदी अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी, USA और यूरोपियन यूनियन के बीच में, जो कि G20 समिट भारत में ऑर्गेनाइज हुई थी उसमें।
और गाबोन के इंटरिम प्रेसिडेंट बनाए गए हैं ओलिग्यू न्यूगेमा। और सालो अर्थक्वेक मोरक्को में रिसेंटली में आया था। गोवा ने रोडमैप बनाया है टूरिज्म को किस प्रकार से बेहतर किया जाए। G20 जिसने एम्पावर ग्रुप वुमेंस को एम्पावर करने के लिए यहाँ पर डिस्कशन किया। अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बनाया गया। ऋषि सुनक जिन्होंने $2 बिलियन ग्रीन क्लाइमेट फंड में दिए हैं यूके की तरफ से। भूटान जिसने खुद का नेशनल डिजिटल आईडी अपने सभी सिटीजन्स का लॉन्च किया है, जिस प्रकार से भारत में आधार कार्ड है उसी प्रकार से। और हांगकांग जहां पर 140 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है रेनफॉल का। अगर आप कोई ई बुक परचेस करना चाहते हैं तो आप इस 8 महीने की ई बुक को परचेस कर सकते हैं। इसमें जनवरी से अगस्त तक का करंट अफेयर्स कवर किया गया है डिटेल में, और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में अवेलेबल है। अगर आप इसको परचेस करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट अनाउंस्ड मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। तो किस राज्य ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की है? आंसर होगा ये मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की शुरुआत की है अरुणाचल प्रदेश ने। किसने? अरुणाचल प्रदेश ने। ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, उनके द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना को नेशनल लेबर्स डे सेलिब्रेट करते वक्त अनाउंस किया गया था, और अब इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। वैसे नेशनल लेबर्स डे, ध्यान रखिएगा, उस समय पर इसको अनाउंस किया जा चुका था। इस स्कीम से जो भी बेनिफिट्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंट का हो, मेडिकल असिस्टेंट का हो, या कोई दूसरे और बेनिफिट है जो लेबर्स को दिए जा सकते हैं, उनकी डेथ कंपनसेशन है या फिर कुछ और, तो वो सभी बेनिफिट्स यहाँ पर लेबर्स को दिए जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश जिसको स्टार्टिंग में यूनियन टेरिटरी 1972 में बनाया गया, बाद में इसको राज्य 1987 में, ईटानगर इसकी कैपिटल, 25 इसके डिस्ट्रिक्ट, गवर्नर कैवल्य त्रिविक्रम परनायक है, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहाँ की असेंबली में 60 सीट्स, राज्यसभा में 1 सीट और लोकसभा में 2 सीट यहाँ से आती हैं। हाईकोर्ट की बात करें तो गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत ईटानगर बेंच इसकी बनी हुई है, जहां से इसके केसेस को हैंडल किया जाता है। मौलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क यहां के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, हु विल एड्रेस द 78th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। तो भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र को कौन संबोधित करेगा? तो भारत की तरफ से जो 78वां सत्र है उसको भारत के फॉरेन मिनिस्टर इसको संबोधित करेंगे। भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब हैं, ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये पार्टिसिपेट करेंगे और 78 जो सेशन चलेगा भारत की तरफ से संबोधित करेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी न्यू LPG कनेक्शंस हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय 2025-26 अंडर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत 2025-26 तक कितने नए LPG कनेक्शन मुफ्त देने का फैसला किया है? आंसर होगा ये 75 लाख नए कनेक्शन देने का फैसला भारत सरकार ने किया है। भारत सरकार ने इस स्कीम को, कौन सी? तो उज्ज्वला स्कीम, जिसके अंतर्गत मुफ्त में सिलेंडर कनेक्शंस दिए जाते हैं, 2016 में इसको लॉन्च किया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, डिफेंस मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू ओपन 100 न्यू सैनिक स्कूल्स इन पार्टनरशिप मोड। हाउ मैनी स्कूल विल बी स्टार्टेड इन 11 स्टेट इन द फर्स्ट फेज। तो रक्षा मंत्रालय ने साझेदारी मोड में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 11 राज्यों में कितने नए स्कूल खोलने की यहाँ पर बात चल रही है? आंसर है अभी पहले चरण में 23 स्कूल यहाँ पर खुलेंगे। वैसे टोटल 100 सैनिक स्कूल यहाँ पर खोलने की बात की जा रही है, जिससे कि सैनिकों का जो रूल रेगुलेशंस है वो बच्चों को सिखाया जा सके, किस प्रकार से वो समय के पाबंद होते हैं ये सब बताया जा सके। इसीलिए
केंद्र सरकार या कह सकते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री इसको अनाउंस कर चुकी है कि हम पार्टनरशिप मोड में 100 नए सैनिक स्कूल्स खोलेंगे। अभी 11 स्टेट्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया, जिसमें 23 यहाँ पर सैनिक स्कूल इस्टेब्लिश किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विच एनिमल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट वॉज गिवन द फूड एनिमल टैग बाय द फसाई इन सेप्टेम्बर 2023। तो सितंबर 2023 में उत्तर पूर्व के किस जानवर को फसाई द्वारा खाद्य पशु टैग दिया गया है? आंसर होगा ये खाद्य पशु टैग दिया गया है मिथुन को। किसको? मिथुन यहां पर आंसर बिल्कुल सही होगा। तो फसाई ने फूड एनिमल किसको? मिथुन को यहां पर रिकॉग्नाइज किया है 1 सितंबर से कि अब ये यहां पर फूड एनिमल के रूप में इसको कंज्यूम किया जा सकता है। अब ये फूड एनिमल क्या है? तो फूड एनिमल का मतलब फसाई इसको अलाउ करता है कि आप इसको फूड के रूप में ले सकते हैं, खा सकते हैं, और इससे आपको मतलब मानवतावादी तरीके से अगर आप इसको मारते हैं और इसको तड़पा के नहीं मार के डायरेक्टली मार देते हैं और उसको फूड के रूप में आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो फसाई ऐसा टैग देता है। फसाई की बात करें तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ रिसीव्ड परमिशन फ्रॉम द USFDA टू बिगिन ह्यूमन ट्रायल ऑफ इट्स ब्रेन चिप इम्प्लांट? तो किस कंपनी को अपने ब्रेन चिप इम्प्लांट का मानव परीक्षण शुरू करने के लिए USFDA ने अनुमति दे दी है? आंसर होगा ये जो ह्यूमन के अंदर एक चिप इम्प्लांट की जाएगी और इसका परीक्षण किया जा रहा है, और किसके द्वारा यहाँ पर अनुमति मांगी गई? तो यहाँ पर न्यूरालिंक के द्वारा यहाँ परमिशन मांगी गई, और न्यूरालिंक जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है वो यहाँ पर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI कंपनी है, इसके माध्यम से ये टेस्ट करेंगे कि ह्यूमन ब्रेन में चिप लगाकर उसको मैनेज किया जा सकता है, उसकी सोच को बदला जा सकता है, किस प्रकार से टेस्ट किया जाएगा। इसके लिए परमिशन मांगी गई है कि भाई हमें परमिशन दो जिससे कि हम ह्यूमन ब्रेन को स्टडी कर सकें और कंट्रोल करने की मशीनी माध्यम से कोशिश कर सकें, जिससे कि हम आगे चल के बहुत सारी मानसिक प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर पाएंगे। तो यहाँ पर US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर ने यहाँ पर अलाव कर दिया है। आगे बात करें, विच इंडियन क्रिकेटर लॉन्च्ड हिज ओन स्पोर्ट्स ब्रांड डेनिन स्पोर्ट्स ऑन सितंबर 19, 2023। तो 19 सितंबर 2023 को किस भारतीय क्रिकेटर ने अपना खुद का स्पोर्ट्स ब्रांड डेनिन स्पोर्ट्स लॉन्च किया है? आंसर होगा ये दीपक चहर ने यहाँ पर लॉन्च किया है। दीपक चहर चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेलते हैं और यहाँ पर इन्होंने इंटरनेशनल मैचेस भी खेले हैं और अपना जो एक स्पोर्ट्स ब्रांड है शूज वगैरह लॉन्च कर चुके हैं अभी तक, और ये डेनाइन नाम से इन्होंने स्पोर्ट्स अपना जो ब्रांड है वो लॉन्च किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व गर्भ निरोधक दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? आंसर होगा ये हम 26 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो ये 26 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। याद रखिएगा इसको, ये जो डे है इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, जिससे कि दुनिया में जो पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हो रही है उसको कंट्रोल किया जा सके। यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में अवेलेबल है, इसको 7 अप्रैल 1948 को फाउंड किया गया। टेड्रोस अधनोम यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो सुरेश गोपी इनको चेयरमैन और गवर्निंग काउंसिल सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का बनाया गया। चेतना मारू ये वेस्टर्न लेन इनका नोवल था जिसके लिए इनको बुकर प्राइज 2023 का मिला। कैलाश चौधरी इन्होंने लॉन्च किया है PM किसान AI चैटबोट और किसान ई मित्रा, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक चैटबोट है और ये भारत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर के हैं।
अगला क्वेश्चन, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन ये भारतीय दल को यहाँ पर फ्लैग बेयर के रूप में एशियन गेम्स में लीड करने वाले हैं, और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं इनको चीफ गेस्ट के रूप में रिपब्लिक डे के अवसर पर 2024 के लिए भारत ने बुलाया है। हिमाचल प्रदेश जिसने मोबाइल वैन प्रोग्राम को लॉन्च किया जो कि प्रमोट करेगा नेचुरल फार्मिंग को। गोवा जहां पर गृह आधार और चवथ ई बाज़ार इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। यूएसए जो कि इंडियन आर्मी के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास नाम की एक्सरसाइज को कर रहा है, कहां पर इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, तो यूएसए में ही इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। 400 मिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहां पर अफगानिस्तान को असिस्ट किया है जिससे कि फूड की जो प्रॉब्लम्स है उसको यहाँ पर बैलेंस कर सके। लास्ट संडे ऑफ सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, मतलब कि टुडे, मतलब लास्ट डे जो गया है उसमें हमने ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल डॉटर्स डे। बात करें आज के क्विज की, तो विच इंडियन रेसलर वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023। तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ ऑर्गेनाइज हुई, किसके द्वारा यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया गया, किस कैटेगरी में जीता गया, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।